आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत होगा। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे पहले चित्र बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा जो है, ये मान लेते हैं हमारी वृत्त है और यहाँ पे जो इसका व्यास है, ये मान लेते हैं ये व्यास हो गया हमारा। यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, ये हमारा ओ है और ये व्यास जो है ये ए बी है और ये ए ओ और ओ बी जो है इस व्यास के आधे हिस्से हैं। तो आधा यहाँ पे आर हो जाएगा, आधा यहाँ पे आर हो जाएगा। तो जो व्यास का आधा होता है ये हमारी त्रिज्या होती है। तो ओ ए हमारी त्रिज्या हो गई और ओ बी भी हमारी त्रिज्या हो गई। व्यास का आधा त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, प्रश्न में दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास। यहाँ लिखेंगे हम जो है वृत्त का अर्ध व्यास। वृत्त का अर्ध व्यास मतलब व्यास का आधा, व्यास बटे दो। ये बराबर होता है त्रिज्या के, बराबर हो जाता है हमारा त्रिज्या के यहाँ पे, जो कि हम लोग यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं। व्यास का आधा हमारी त्रिज्या आर है, त्रिज्या के बराबर हो गया। क्योंकि अर्ध व्यास का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या का भी मान हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा जो है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सूत्र होता है हमारा, यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा हमारा जो है यहाँ से पाई आर का वर्ग, पाई और ये त्रिज्या का वर्ग, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र की सहायता से जो है हम लोग इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको जो है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई को ऐसे रहने देते हैं, आर का मान हमारे यहाँ 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा। ये आगे हल करेंगे तो ये हमारा जो आएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में 25 पाई आ गया और ये सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है सेंटीमीटर में है, ये इतना आ गया हमारा। ठीक, इसी तरीके से जो है वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सूत्र होता है, इसको उपयोग करेंगे, होता है वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई और आर, जहां पे आर जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ भी इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ रखेंगे आर के मान को हम लोग जो है, ये हो जाएगा 2 गुणे पाई गुणे 5। आर का मान जो हमारा ये 5 है, 2 पाई गुणे 5 हो गया, आगे आ गया हमारा ये 10 और ये पाई आ गया। ये आ गई हमारी वृत्त की परिधि, इतना आ गया हमारा ये वृत्त की परिधि का मान आ गया हमारा ये 10 पाई। अब हमको प्रतिशत निकालना है, तो यहां लिखेंगे अभीष्ट प्रतिशत। अभीष्ट प्रतिशत तो ये हो जाएगा हमारा जो है बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वृत्त की परिधि। कि प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे गुणे 100 हो जाएगा हमारा जो है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हमको जो प्रश्न में दिया हुआ है, ये लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत होगा। इसलिए जो हमारा अभीष्ट प्रतिशत आएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वृत्त की परिधि गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया हुआ है 25 पाई। तो इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा जो है 25 पाई और जो परिधि का मान आया है ये आया है 10 पाई और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। अब आगे इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ये जो है पाई से पाई कट जाएगा हमारा और यहाँ पे 10 जहाँ में 100 होता है, 10 का अगर 10 से जो है 100 को भाग करेंगे तो 10 बार आ जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे बचा हमारा जो है 25 गुणे 10 मतलब आ गया ये 250, ये हमारा आ गया। और अगर हम लोग यहाँ पे अब विकल्प की बात करें, तो विकल्प नंबर बी में हमारा
डी, विकल्प नंबर डी में हमारा जो है 50 आ रहा है, यही हमारा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।